हेलो, वेलकम बैक टू दिस फिजिक्स लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इट्स ऑफ अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन फाइनाइट प्लेन शीट बाय यूजिंग ऑफ दिस गॉस लॉ, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस गॉस लॉ। ओके, सो फॉर दिस स्टूडेंट वी हैव सपोज दैट हेयर इट इज दिस प्लेन शीट, दिस इज दैट प्लेन शीट वी हैव सपोज। ओके, सो ऑन इट देर इज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो आई हैव सपोज दैट देर इज द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस एंड इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू अस दैट वी हैव टेकन इट एज सिग्मा। ठीक है, तो ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। नाउ हेयर आई हैव सपोज अ स्मॉल एरिया ऑफ दिस शीट, एक छोटा सा एरिया मैंने इस शीट का सपोज किया। ठीक है, सो दिस एरिया आई हैव सपोज एज एस। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन नो ओवर हेयर, अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इस छोटे से एरिया के ऊपर कितना चार्ज होगा। सो देयरफॉर हेयर चार्ज विल बी, तो चार्ज ऑन दिस एस सरफेस, तो जो एस सरफेस है उसके ऊपर कितना चार्ज बना हमारे पास। सो इट इज इक्वल टू सिग्मा एस, सो दिस विल बी द चार्ज ऑन दैट वन। ये कैसे आया, तो हमारे पास बिकॉज वी वर नोन ओवर देयर सिग्मा व्हाट इट वाज इक्वल टू, इट वाज चार्ज ऑन दैट यूनिट एरिया। ठीक है, तो उस यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज होता था। ठीक है, ऐसे हम ऑलरेडी इसको लिखते थे, डिफाइन करते थे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास जो चार्ज है उस एस सरफेस के ऊपर वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एस हो जाएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट हम क्या करना चाहते हैं, ये जो प्लेट हमारे पास है, थिन जो प्लेन शीट है हमारे पास, इससे हम क्या करना चाहते हैं, आर डिस्टेंस के ऊपर, तो एक पॉइंट पी मैंने सपोज किया राइट साइड में और उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर लेफ्ट साइड में ये पी डैस ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास ये इस जो शीट है, शीट से आर डिस्टेंस पर राइट साइड को और आर डिस्टेंस पर ही लेफ्ट साइड को मैंने ये दूसरा पॉइंट कंसीडर किया जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ ओवर हेयर फॉर दिस पर्पज स्टूडेंट व्हाट आई डिड, आई हैव टेकन अ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, जो उस जगह से पास करे जहां पर हम उस फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है इसकी टोटल लेंथ मैंने कितनी ले ली, इट इज 2r, इट इज दैट लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, नाउ ओवर हियर स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर जस्ट सपोज करें कि मेरे पास ये जो गॉसियन सरफेस है, ठीक है, जितना ये एरिया ऑफ शीट हमने यहाँ पर सपोज किया हुआ है ना, दैट इज द सेम एरिया ओवर हेयर। ठीक है, वही इसका एरिया है इस वाले एंड का और वही इसका एरिया है ए वाले एंड का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो ये हमारे पास होगी आउटवर्ड। ठीक है, तो मैंने ये दोनों तरफ क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर दिया, आउटवर्ड होगी। ठीक है, और मेरे पास अब जैसे इस रीजन को मैं यहाँ पर मान लो, इसको मैं फर्स्ट रीजन कहता हूँ सॉल्व करने के लिए, ताकि हमें आसान रहे कैलकुलेशन। ये जो यहाँ पर जो डॉटेड पार्ट मैंने शो किया है, ये इसको मैंने सेकेंड रीजन का नाम दे दिया, और ये जो राइट साइड में ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है आर डिस्टेंस के बीच में, ये थर्ड रीजन, और ये यहाँ पर फोर्थ रीजन मैंने नाम दे दिया। ठीक है, तो ऑलरेडी रिटन बाय अस कि जो हमारे पास एरिया था जिसमें चार्ज लाई कर रहा था, ठीक है, उसी साइज का हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस भी लिया है। ठीक है, तो इसलिए इसका एरिया बराबर है तीनों का एरिया। ठीक है, और रीजन मैंने 1, 2, 3, 4 मार्क कर दिए। नाउ जस्ट टू चेक, अगर मैं फर्स्ट रीजन में एक छोटा सा एरिया सपोज करूँ, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया, तो उसका एरिया वैक्टर डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलरली होगी बाहर की तरफ, ये डीएस वैक्टर। और इस जगह पे भी अगर मैं छोटा सा एरिया सपोज करूँ फोर्थ रीजन में, तो वो भी किस तरफ होगी, परपेंडिकुलरली होगी बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दोनों ही क्या हो रहे हैं, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम सेकंड रीजन में एक छोटा सा एरिया लें, तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, टूवर्ड लेफ्ट, इस वाले रीजन के अंदर किस तरफ जा रही है, लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो इसलिए एंगल क्या बना रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। और वैसे ही यहाँ पर अगर मैं थर्ड रीजन में एक छोटा सा एरिया लूँ, तो इसका एरिया वैक्टर भी किस तरफ है, परपेंडिकुलरली अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, टूवर्ड राइट जा रही है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का।
तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि हाउ मच इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस गॉसियन सरफेस से बाहर आता है। सो वी कैन से हमने क्या किया है, इस टोटल जो गॉसियन सरफेस है उसको फोर पार्ट में डिवाइड किया। तो इसलिए हमने लिखा कि इट इज फ्लक्स ऑफ फर्स्ट पार्ट, फ्लक्स ऑफ सेकेंड पार्ट, फ्लक्स ऑफ थर्ड पार्ट, फ्लक्स ऑफ फोर्थ पार्ट। तो ये चारों कंट्रीब्यूट करके नेट फ्लक्स बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास जो फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या लिखा था हमने, दैट इट इज ई डी एस कॉस ऑफ द एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट रीजन का एरिया के ऊपर जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर जो एंगल था फर्स्ट रीजन में वो कितना है, फील्ड और वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए 0 डिग्री, प्लस सेकेंड रीजन के अंदर क्या हो गया 90 डिग्री एंगल, तो कॉस 90 तो 0 हो जाएगा इसलिए मैंने उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0। थर्ड रीजन के अंदर भी एंगल कितना बना 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। प्लस फोर्थ रीजन के अंदर हमारे पास दोबारा से इफ यू विल चेक इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए ये क्या बन गया ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल फाइंड कि इस सरफेस से ये आर डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड है, आर डिस्टेंस पर ये राइट साइड है, तो डिस्टेंस तो दोनों जगह एक बराबर है, तो फील्ड क्या है दोनों जगह कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ओनली क्या चीज़ हमने ऐड करनी है, वो एरिया वेक्टर। तो इसलिए कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसलिए क्या रह जाएगा हमारे पास, सो देयरफॉर वी कैन राइट दिस नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू दिस फ्लक्स ऑफ फर्स्ट रीजन प्लस फ्लक्स ऑफ दैट फोर्थ रीजन। तो जो फोर्थ रीजन है इन दोनों का फ्लक्स ऐड होगा, सो दस वी आर गेटिंग ओवर हेयर ई बार आ गया टोटल ऑफ दिस फर्स्ट द सरफेस एंड इट इज यहाँ पर भी ई कॉन्स्टेंट है, तो ये फोर्थ सरफेस का एरिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या था एरिया इनका एस, ठीक है ई एस, सो वी गेट ओवर देयर व्हाट इज इट, दैट इट इज डबल ऑफ ई एस, इट इज व्हाट नेट फ्लक्स, ये नेट फ्लक्स आया। ठीक है, नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम ने क्या बोला था हमारे पास कि ये जो नेट फ्लक्स है ये किसके बराबर होगा, नेट चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है उसका 1/ε0 होगा, सो इट इज 2ES। ठीक है, तो हमने क्या किया था यहाँ पर कितना सरफेस लिया था S और उसके ऊपर चार्ज कितना था Q लिया था। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या लिखा यहाँ पर, दिस Q इज व्हाट, इट इज सिग्मा S, इतना हमारे पास इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, सो अपॉन में ε0 विच इज इक्वल टू डबल ऑफ ई एस। ठीक है, तो एस और एस कैंसिल हुए थे जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, इट इज दैट ऑफ सिग्मा बाई 2ε0, सो दिस इज दैट आंसर वी आर हैविंग। तो हमारे पास एक सिंगल प्लेट से आर डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इट इज गिवन बाई दैट हाउ मच इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट वन एंड सेकेंड थिंग ओवर देयर दैट मीडियम, सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विच वी आर यूजिंग हेयर। ठीक है, ऑफ वैक्यूम। नाउ द नेक्स्ट स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टर्म विच वी नीड टू नोट डाउन, ये जो हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या हो सकती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो हमारे पास उस पर दो टाइप की हो सकती है उस थिन प्लेट शीट के ऊपर, ये पॉजिटिव होगी अगर और दूसरी नेगेटिव होगी। तो जस्ट चेक, ये पॉजिटिव है तो फील्ड किस तरफ थी, बाहर की तरफ, अगर नेगेटिव होती तो किस तरफ होती, इनवर्ड होती। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी आउटवर्ड। ठीक है, तो ये अलोंग द एक्सिस बाहर की तरफ होगी एंड इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्ड। ठीक है, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाती। ठीक है, और बाकी अगर आपने वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना ही है तो आप ऐसे लिख दो फिर, इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में और ये 2/ε0 और जो डायरेक्शन है दैट इट इज, जैसे ये राइट साइड को थी तो मैंने यहाँ पर राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लिया, तो इसलिए आई यूनिट वेक्टर लिख लिया। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। नाउ द इम्पॉर्टेंट दैट विच वी आर लुकिंग ओवर हेयर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना सिंगल प्लेट की, सिंगल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की क्या हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। ठीक है, नाउ यू विल फाइंड ओवर देयर, मतलब कि जितनी ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पर क्या बनने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है। ठीक है,
तो अगर हम बात ये बोलें कि भाई ये मेरे पास यहाँ पर ये थिन प्लेट शीट है, इससे मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया, ठीक है, डबल ऑफ आर इस तरफ ले लिया, डबल ऑफ आर इस तरफ ले लिया, तो बताओ क्या फर्क पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। सो वी आर लुकिंग ओवर हेयर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फार्मूला ही क्या आया, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इट डू नॉट डिपेंड ऑन दैट डिस्टेंस। ये ओनली तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दस, वी आर सेइंग दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो उस शीट से डिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। इफ आई एम गोइंग टू शो द वेरिएशन, सो लेट अस टू शो द वेरिएशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ इट इज गोइंग टू वेरी विद द डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ ही कैसे वेरी होगा। सो दैर इट इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये क्या होती है, कॉन्स्टेंट रह जाती है। सो दिस पैरेलल लाइन यू विल शो ओवर देयर, ओके। सो दिस इज दैट वी आर हैविंग, इट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑफ अ फाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। नाउ स्टूडेंट।